सबसे पहले तो मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मैं सत्येंद्र सिंह, और आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ पूरे देशवासियों को। और ये फिल्म मैंने भोचाल किया तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, राजू भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे आदर्श राज प्रेमी सर है, इनसे भी बहुत सीखने को मिला है। और कोशिश मैंने किया है, मेहनत की है कि अपने काम पे खरा उतरूँ, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। तो कुछ किरदार के अंदर बताइए, जो किरदार निभा रहे हैं और किरदार को निभाने में कितना आनंद आया आपको, और कुछ ऐसा चुनौतीपूर्ण समय रहा जब शूटिंग हो रहा था उस दौरान, उसके बारे में बताइए। देखिए, हर दिन एक बहुत ही बड़े ग्रेट एक्टर के साथ में काम करना, खड़ा होना उनके सामने एक्ट कर पाना, तो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। और हर दिन मैंने कोशिश किया, हर दिन मेरे लिए चुनौतीपूर्ण वो टाइम था। और मेरा किरदार बहुत ही अच्छा, एक पढ़ा लिखा और एक इंजीनियर पेशे से मैं रहता हूँ, और कैसे कैसे स्ट्रगल करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, और जब मैंने खुद टेंडर लेता हूँ, और उसके लिए हमारी फिल्म में अब देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या हमने किया है। बाकी यही किरदार था मेरा। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या खास आपको नजर आया इस प्रोजेक्ट में, और सत्येंद्र जी के बारे में और राजू जी का क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, सबसे पहले सारे देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको आज़ादी मुबारक, आप सबको भी। आज के दिन सबसे पहले तो आप लोग इधर आए, आज उत्सव का दिन है, 15 अगस्त, हमारे मोदी जी ने भी बोला है कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाए, थैंक यू वेरी मच आप लोग आए। भूचाल, भगवान करे सचमुच भूचाल आ जाए इस फिल्म से भोजपुरी इंडस्ट्री में। जैसा कि आपने सत्येंद्र जी से सवाल पूछा, लेकिन उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत थोड़े से शर्मीले हैं और थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं ये। हर रोज़ एक नई मुश्किल का डेफिनेटली सामना करना पड़ता है, चाहे बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके बनाई गई करण जौहर और यश चोपड़ा की फिल्म हो या फिर भोजपुरी फिल्म हो। सबसे बड़ी पहल तो इन्होंने ये की कि पूरी यूनिट को लेकर गोपालगंज, इन्होंने पूरी शूटिंग गोपालगंज में की है, जो शायद इनका नेटिव प्लेस भी है। जी जी। और मैंने कुछ चुनिंदा भोजपुरी फिल्में की है। जब ये राजू जी मेरे पास आए, और राजू जी का खैर मैंने बड़ा नाम सुना था, मैंने कभी काम नहीं किया, मेरे पहली एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उन्होंने कहा कि गोपालगंज में शूटिंग होगी। तो मैंने कहा यार गोपालगंज में कैसे पॉसिबल, कैसे होगा। खैर इन्होंने पूरा बीड़ा उठाया था कि आप आ जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और सचमुच इन्होंने मुझे नहीं, मतलब इस भूचाल फिल्म के स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होने दी। सबको एक ही होटल में रखा गया था, खाने पीने रहने आने जाने का इतना अच्छा इंतजाम किया था इन्होंने, जो मैंने शूटिंग खत्म होते ही फेसबुक पर डाला, मैंने लिखा लिखा था सर कि मतलब भोजपुरी में इतना प्रोफेशनली प्रोडक्शन करना, और वो भी गोपालगंज जैसी जगह पर, डायरेक्टर को जो चाहिए था, जैसा लोकेशन चाहिए था, इन्होंने मुहैया करवाया। गोपालगंज के DM ने हमारी फिल्म में काम किया है, उनके ऑफिस में हमने शूटिंग की, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है ये इनके लिए कि DM स्वयं अपनी ऑफिस से 50 किलोमीटर दूर आकर भी शूटिंग कर रहे थे। और वो जो 50 किलोमीटर दूर जो शूटिंग थी सर, राजू जी, वो आप लोगों को हेड्स ऑफ है, वो एक कच्चा सा रास्ता था तकरीबन 20 किलोमीटर का। जी जी। और जैसे इस पोस्टर में भी दिखाया, देखिए ये खून वाला, ये पीछे जो लोग हैं, ये रियल पब्लिक है। और ये होने के बाद फिर मुझे जाकर वापस आना था कुछ चेंज करके, राजू जी ने कहा आपको चेंज करके फ्रेश लुक आना है, तो वहां से 45 मिनट एक घंटे का रास्ता था होटल, मैं होटल गया, फ्रेश हुआ, वापस आया वहां पर, और DM को खड़ा रखा था इन्होंने, गोपालगंज के DM वहां पर खड़े थे हमारे लिए शूटिंग के लिए वेट करने। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो शुभकामनाएं हैं सर। और मेरा रोल इसमें भौकाल सिंह का है, जो एक बाहुबली है, एक अलग तरीके का गेटअप लिया है मैंने इसमें। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली भोजपुरी फिल्म में इस तरीके का गेटअप किसी का होता नहीं है। रियल लाइफ में कितना भौकाल आदमी आप? रियल लाइफ में तो मैं सर बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हूँ, और बहुत ही
हाथ जोड़कर रहने वाला आदमी हूँ, मैं भौकाली जरा भी नहीं हूँ सर, मैं ज्यादा बात करता नहीं और ज्यादा मीडिया के सामने मेरे बहुत ज्यादा आप लोगों ने कुछ चीजें देखी भी नहीं होगी। आज 15 अगस्त कुछ भौकाल मार दीजिए। सर भौकाल मारने की कोई जरूरत ही नहीं सर, आपसे बोलने से पहले मैंने कहा कि सर ये देशवासियों का ये उत्सव मनाने वाला दिन है और उसमें आप लोग आए हैं, तो आप लोगों का बड़ी बड़ी मेहरबानी और आप लोगों से निवेदन है कि इस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म, हर फिल्म को बनाने में मेहनत लगती है, मेरा ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को मेहनत लगी है, हर फिल्म को मेहनत लगती है, लेकिन ये एक ऐसी जगह पे बनाई गई है गोपालगंज, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले वहां पर कुछ प्रॉपर पूरी फिल्म की शूटिंग नहीं, नहीं, उस पैलेस में तो 40 साल बाद शूटिंग हुआ, वहां तो कोई जाता भी नहीं था, जहां और जहां हमने शूटिंग की, जो बांध का जिसकी कहानी इन्होंने ली है, 50 फीट पानी है अभी वहां एट प्रेजेंट। राज भाई, फिल्म में सत्येंद्र जी साथ निधि झा भी हैं, कैसा लगा दोनों का व्यवहार शूटिंग पे, कुछ वाक्य शेयर करना चाहेंगे? निधि इसमें मेरी बहन बनी है और निधि के साथ एक मैंने पहली भी फिल्म की थी जो पूरी बन नहीं पाई, जब मैंने उससे मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं राज प्रेमी हूँ, तो उसने पहले पहले शुरू में तो ये किया कि मैं बोला भाई मैंने तेरे साथ पहले काम कर चुका हूँ, तो बोलती नहीं सर मैं आपको जानती हूँ लेकिन हमने काम कब किया, तो मैंने उसे फिल्म बताई, उसे वाक्या बताया, किस्सा बताया, ओ सर सर सॉरी सॉरी सॉरी। और उसने मेरी बहन का रोल किया है इस फिल्म में, बहुत ही स्ट्रांग एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी नेचर की लड़की है, हमने काफ़ी कुछ पर्सनल चीज़ें भी शेयर की उसके साथ, मेरे साथ बैठ कर हम कुछ पर्सनल बातें भी कर रहे थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो पर्सनल बातें थी, बट बहुत डेडिकेटेड थी। आप राजू चौहान के बारे में कुछ पर्सनल शेयर कर सकते हैं, कितना परेशान कर किए हैं शूटिंग में? राजू चौहान साहब के बारे में पर्सनली मैं ये शेयर करता हूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को इस फिल्म के बारे में शेयर करना चाहूँगा, वो राजू चौहान की उपलब्धि है, क्योंकि इन्होंने ना सर मुझे ये बोला कि सर कल सवेरे सर 7:15 बजे आपके साथ शूटिंग करूंगा, तो मैं टीवी सीरियल, मैंने बहुत सारे टीवी शो किए हैं, टीवी में ये बहुत होता है कि सर 7 बजे की शिफ्ट है तो 7 बजे रेडी हो जाते हैं सब लोग, क्योंकि उनको एक दिन में 17 मिनट की शूटिंग करनी होती है, टेलीकास्ट करना होता है, तो हम एक्टर भी टाइम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन फिल्मों में मैंने नहीं देखा है। तो राजू जी ने जब कहा कि 7 बजे सवेरे शॉट आपका लूंगा, आप रेडी हो जाना विद मेकअप, मैं भी बहुत डेडिकेटेडली 7:15 बजे मैं विद मेकअप तैयार हो गया और मैंने मेरे बॉय को बोला जरा देख मैं तैयार हूँ, जरा देख ले भाई बात क्या है नीचे, तो वो आके बोला कि सर सब रेडी है, सर कैमरा लग गया है, गाड़ी आ गई है सब, और इन्होंने भरे बाजार में, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई परमिशन ली थी उस जगह की, भरे बाजार में इन्होंने किडनैपिंग सीन शूट किया, मैं ओपन जीप में जा रहा हूँ, भरे बाजार में एक लड़की जा रही है, लड़की का किडनैप करना, ये 2 कैमरा से ये शूट कर रहे थे कॉलेज के सामने और कॉलेज भी ये हमने शूट तो कर लिया, खैर शूट होने के बाद 1.5 घंटे बाद पुलिस आई वहां पर होटल में अपने दल बल के साथ, मेरे पास बहुत फोन आया, उनको किसी ने कंप्लेंट किया कि ये कॉलेज के सामने किडनैप हुआ है, रियल किडनैप लग रहा था मतलब इट्स अ रियल किडनैप, मतलब किसी ने फोन किया होगा वायरलेस में और वो दल बल के साथ आए, तो ये इनकी उपलब्धि है, वो जो रियल शूट हो गया वो प्लान करके तो मुझे लगता ही नहीं है कि पॉसिबिलिटी हो सकती थी, उतने क्राउड और उतना बीच बाजार और ये सब कुछ, इन्होंने कहाँ कैमरा लगाया था मैंने पूछा भी नहीं, इन्होंने मुझे बोला ये जाना है, वो लड़की आएगी, वो रास्ता क्रॉस करके जाना है, पकड़ के लाके जीप में बिठाना है, और वो हमने कर दिया था, तो ये इनकी उपलब्धि है, ये पर्सनल चीज है जो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये भी नहीं बताएंगे। नहीं बोल रहे राजू भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले 15 अगस्त की मुबारक सब लोगों को और इंडिपेंडेंट डे का, मोदी जी ने भी आज बहुत कुछ बोला है और राज जी ने बोल दिया है, हम राजू जी से मुझे इस फिल्म को बनाने के लिए हम लोगों की शुरुआत से बता दें, हम कि सत्येंद्र भाई से मुलाकात हुई, मैं बोला मैंने कि भाई क्या कर रहे हो, बोले भैया अभी तो कुछ नहीं कर रहे, तो मैंने कि करो शुरू करते, बोले भैया अभी कुछ प्रोग्राम तो है नहीं, तो मैं अचानक दिल्ली चला गया, ये बोले कि मैं आया आप दिल्ली चले गए, तो शुरू करनी है, बोला मैंने कि मैं 15-17 जनवरी को आ जाऊँगा, मैं आया तो इन्होंने आते ही मेरे को एक सब्जेक्ट दिया,
बोले कि इसको हम लोग इतनी तारीख से शूट करेंगे। एक महीने में सारा बंदोबस्त करके राजजी को पकड़ा, राजजी से मुलाकात हुई। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, मुझे भी 30-32 साल हो गए फिल्म लाइन में, बहुत एक्टरों को देखा है, बहुत एक्टरों को देखा है। ये दो आदमी है, मुझे एक हीरो की तलाश थी कि रवि जी अब सांसद हो गए हैं तो मुझे भी हीरो की तलाश थी, एक विलेन की तलाश थी, वो भी मेरी कंप्लीट भूचाल नहीं कर दी। और सत्येंद्र भाई ने ये बहुत मेहनत करके पिक्चर कुछ नहीं की है, आशीर्वाद है। और राजजी तो खैर इनके बारे में निशब्द हो जाता हूँ, ऐसे छोटा सा हो जाता हूँ मैं, कि भैया ने इतना हम लोगों को सपोर्ट किया कि एक बहुत बड़ा एक्टर होने, हम लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं, समाज बोलते हैं, वो अपने आप को कुछ नहीं बोलते, हम लोग कहते कि भैया 7 बजे रेडी है, बोले हाँ। सुबह 7 बजे मेरे से पहले इनका बॉय मेरे पास में आ जाते थे, बोले कि सर रेडी है। मैं और जो जैसी मेरी आदत है वैसी सर की आदत है, और इनकी तो मेहनत तो भाई है छोटे, और इनको लेकर के अभी जो कई चीज़ें मैंने प्लान की हुई है अभी चल रहा है। आज सर के साथ में भी एक नया और शुरू हुआ, दम है तो आजा, आप लोग उन्हें लिया है और उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग दोबारा इस यही यूनिट दोबारा एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं जो दम है तो आजा, जो 1.5 महीने के बाद हम लोग शूट करेंगे। और ये भूचाल कब रिलीज होगा, क्या तैयारी चल रही है रिलीज को लेकर? आप लोग थिएटर खुलवा दीजिए, रिलीज कर दूंगा। आज से खुल गया। पूरे इंडिया में नहीं खुले अभी तो, हमारी भूचाल तो पंजाब में भी लगेगी, महाराष्ट्र में भी लगेगी, गुजरात में भी लगेगी, बिहार में भी लगेगी, गोरखपुर में भी लगेगी, यूपी में भी लगेगी, हैदराबाद में भी लगेगी, तो सब जगह खुलवा दो, उसी दिन रिलीज कर दूंगा। मैं रेडी हूँ, मैं पोस्ट प्रोडक्शन कम्प्लीट में हूँ। सतेंद्र सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा उनके साथ काम करके? सतेंद्र सिंह, मैं बोला ना आपको, मेरी एक हीरो की तलाश थी, जो मेरा एक हीरो सांसद हो गया, अब उनके साथ में काम करना मुझे भारी लगता है, क्योंकि जंतर मंतर ज्यादा चलता है। संजय को ले गए अगली फिल्म में? संजय भूषण को तो लिया हुआ गोद, कितने साल हो गया आज तो उससे ज्यादा और क्या लूं मैं, और ये नहीं छापता है तो भी ये छाप देता है। प्रेमी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं बताइए? नहीं, राजजी सच्ची ही बोलते हैं क्योंकि हनुमान जी हैं। भूषण साहब, संजय जी, आप जितना मुझे जानते हैं आपको भी उतना नॉलेज होगा कि कुछ लोग जो है ना अच्छा बोलते हैं जी, और मैं सच्चा बोलता हूँ। हाँ। फर्क नहीं, ये फैक्ट है। ये राजजी के बारे में मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी, आप लोगों को नहीं पता होगा, ये इंसान भी मेरी तरह कड़वे हैं अंदर से, मगर जिसको मान लेते हैं ना, तो संजय भाई याद रखना वो राजजी की जिंदगी से निकल नहीं सकता आदमी। राजजी भाई, और कौन कौन से कलाकार फिल्म में बताएं? फिल्म संजय साहब, ये देखिए, मैं ना बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फिल्म नहीं करना चाहता, मैं थोड़ी सी क्वालिटी में फिल्म करना चाहता हूँ। और मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं एक टाइम पे एक ही चीज करना चाहता हूँ। अगर मैंने आपको 10 दिन का दे दिया है डेट, तो मैं 10 दिन आपके पास रहूंगा। मैं बीच में से कोई 2 दिन, अरे भैया मुझे जरा 2 दिन इधर जाना है, मुझे 3 दिन वो, मैं 2 घंटा 2 घंटा तो मैं वो करता नहीं, तो मैं आराम से करता हूँ। मैं 30 सालों से काम कर रहा हूँ, अगले 30 साल और काम करूंगा। जान है तो जहान है, सेहत सही रहेगी तो काम तो आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है सर, आप स्वस्थ रहेंगे सब, बहुत बहुत करूंगा, बहुत करूंगा संजय साहब। और संजय साहब, और एक बात आपको बताता हूँ, आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं, आप सचमुच हीरो हैं। और क्या है ना, बहुत सारे लोग है ना पर्दे के सामने दिखते हैं, लेकिन वो पर्दे के सामने दिखने के लिए बहुत सारे लोगों को पर्दे के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। आप उनमें से एक सबसे बड़े हीरो है, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक स्तंभ, जो चार, आज स्वतंत्रता दिवस है हमारा, अशोक चक्र जो अशोक स्तंभ है 4 शेरों का, तो उसमें से भोजपुरी इंडस्ट्री के एक शेर हमारे संजय भूषण भी है। इसमें आर्टिस्ट हीरा लाल जी हैं, निधि झा जी हैं, और गुप्ता जी हैं, और उदय श्रीवास्तव जी हैं, और राजप्रेमी जी हैं, सबसे पहले सतेंद्र जी हीरो हैं, और बहुत लोग हैं। नई फिल्म को लेकर क्या प्लानिंग चले, कब शूट करें? नई प्ले सितंबर अक्टूबर में करेंगे हम लोगों, अक्टूबर में शूट शुरू करेंगे, गोपालगंज में करें या जहाँ भी, राज्य से भी पूछेंगे कि कहाँ इस बार कहाँ प्लान किया जाए। और सतेंद्र मेरा भाई जो है,
इसको स्टैंडिंग देनी है पूरा। सतेंद्र जी, फिल्म में म्यूजिक बहुत बड़ा मायने रखता है, भोजपुरी में खास करके। किसका म्यूजिक है और कितने गाने इसमें? जी, ये मधुकर आनंद भैया का म्यूजिक है, बहुत अच्छा उन्होंने गाने बनाया है। और हमारी फिल्म में हम लोग फिल्म जो बना रहे हैं अभी, चाहे बनाएंगे भी, तो वो एक फिल्म पारिवारिक फिल्म होगी और इंटरटेनमेंट होगी, और वल्गर से बहुत दूर है हमारी फिल्म। मैं वल्गर करना भी नहीं चाहूँगा जीवन में, ना करूँगा। तो ये गाने बहुत अच्छे हैं और दिल से उन्होंने बनाया है, तो उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। मधुकर भैया, आप ऐसे ही गाना बनाते रहिए, लेकिन समय पर देते रहिए। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे गाने बनाए। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने मुझे प्यार दुलार आशीर्वाद स्नेह दिया है, वैसे ही इस फिल्म के लिए भी आप दीजिए। अगला फिल्म कर रहा हूँ उसको भी दीजिए, और आप लोग ही हमारे हीरो हैं, हम लोग कुछ नहीं, हम तो एक पात्र हैं, एक कलाकार हैं। बनाने वाले बढ़ाने वाले आप लोग हैं, और संजय भैया आपकी पूरी जो पत्रकारों की टीम है, आप लोग ही सबसे बड़े हीरो हैं हमारे लिए, क्योंकि हम लोग की जो सच्चाई है, अच्छाई है, यही आप लोग दर्शाते हैं और सब कुछ करते हैं। रहा सवाल कि हमारे दाएं बाएं ये दो मेरे जो आदर्श हैं, 94 से मैं सर को जानता हूँ, और हम लोग जे बी नगर में, हम वहाँ संता कॉटेज बिल्डिंग में वहाँ जब जाते थे, और ये मेरे आदर्श है। उस समय जय हनुमान काफ़ी चीज़ कर रहे थे, और इन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया यहाँ बोला, और दिल से सर आपके चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि आपने 10 दिन टाइम दिया और बोले कि हम जो बोले उस पर आप लोग आप आशीर्वाद दिए। राजू भैया तो हमको लेके फिल्म बनाने के लिए आए थे कि भाई तेरे साथ मैं पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सरप्राइज दिया कि भैया आप तो बना ही रहे मुझे लेके, आप ये लीजिए एक दो फिल्म हमारे, हम आपको दे रहे हैं। थैंक्स उसके लिए, और हम लोग आगे कर रहे हैं। जय श्री राम। बढ़िया, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, जो है हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की। और आज जो है राजू जी के साथ जो एक फिल्म करने का मौका मिल रहा है मुझे, सबसे पहले दिया, आप हमेशा फिल्म में बम फोड़ते रहते हैं एज ए विलन, आज 15 अगस्त आज कहाँ बम लगाए जरा बता दीजिए, सरकार सुन रही सारी बातें, आज ऐसा क्या मांगे हैं आपकी? आज ऐसा कहीं बम नहीं लगाया गया है, आज बम के जगह पे झंडा फहराया गया, आज झंडा फहराया गया है। आतंकवादी वाली छवि न दें आप हमको, साधारण व्यक्ति में ही रह लेते। क्या कहना चाहेंगे भूचाल का, आज फसल के साथ साथ रिवील किया गया पिक्चर का, पिक्चर को कुछ कहना चाहेंगे सतेंद्र जी को? हाँ, भूचाल एक अच्छी पिक्चर बनी है, जिसके डायरेक्टर हमारे राजू जी हैं, हीरो सतेंद्र जी हैं, राजप्रेमी जी हैं, और एक्शन पिक्चर है। पब्लिक से यही कहा जाएगा कि थिएटर तक जाएं, थिएटर भी अब खुल गए, फिल्म जल्द रिलीज होगी, थिएटर में जाकर के पिक्चर को देखें। और अगली भी पिक्चर का जो आज अनाउंस हो रहा है, वो एक एक्शन मूवी है, फिल्म का नाम है दम है तो आ जा, उसके भी डायरेक्टर हमारे राजू जी हैं। उम्मीद रखते हैं अच्छी पिक्चर बन रही है और आगे भी ये बनाते रहेंगे। फिल्म के अभिनेता सतेंद्र जी को क्या कहना चाहेंगे? सतेंद्र जी एक कर्मठ हैं, अच्छा काम करते हैं, उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी अभी घात, उसमें उनके साथ मैंने काफ़ी एक्शन सीन किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा, और आगे भी उनके साथ अभी काम करने का मौका मिल रहा है, तो आगे काम किया जाएगा। और उनके साथ अभी एक दो फिल्मों की और बात चल रही सतेंद्र जी के साथ, वो है रोमांटिक फिल्में, तो उसमें देखते हैं वो तो रोमांटिक करेंगे, या मुझे क्या मिलेगा उसमें ये नहीं मालूम है। रोमांस देखने का मौका मिलेगा आपसे, गाड़ी धुलवाएंगे। और कौन कौन सी फिल्में आपके कंप्लीट हो चुकी है, आने वाली है? अभी मेरी दिनेश जी के साथ अभी कंप्लीट किया मैंने आई मिलन की रात, उसके अलावा अभी मेरी गुप्त कंप्लीट हुई है, उसका ट्रेलर भी आ गया है, रिलीज पे है। कहानी घर घर की है, गिरफ्तार है, काफ़ी फिल्में हैं लाइन से रिलीज पे। साउथ की भी हमारी फिल्म जो है रिलीज पे है, ट्रेलर उसके भी लॉन्च हो गए हैं, और साथ में अब आगे भोजपुरी से चूँकि जुड़ा हुआ हूँ, तो हमेशा भोजपुरी में काम करते रहना है, चाहे साउथ करूँ चाहे कुछ भी करूँ, भोजपुरी अपना ही है, तो भोजपुरी के साथ काम करते रहना है। ओके मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस भूचाल को लेके, और एक नया मुहूर्त भी हुआ है आज 15 अगस्त के दिन, बहुत शुभ दिन है आज। हाँ, बहुत अच्छे दिन हुआ है, और हम क्या बोले, आप लोग देख ही सकते हैं भूचाल।
इतने अच्छे दिन हुआ है तो हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि अच्छे फिल्मों की शुरुआत अच्छे दिनों से होती है। और डायरेक्टर सर को, राजू सर को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि एक अच्छी फिल्में बनाए आप लोगों के लिए, कि हमारे दर्शक प्रभावित हो और इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर इस फिल्म का इतना लोगों ने मिलके सेलिब्रेट किया या जो भी पोस्टर लॉन्च हुआ है, अच्छे दिन में फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। और जोया खान की तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बस ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर जगह अपना झंडा लहराते रहिए। थैंक यू जी। सर आप कुछ कहेंगे? सतीश जी बस मैं तो इतने बोलना चाहूँगा, फर्स्ट जो रिवील हुआ है अपना फर्स्ट लुक जो भूचाल का, तो राजू जी को, सत्येंद्र को और निधि और पूरे सारे टीम को मेरी तरफ से बधाई, और बहुत अच्छा फिल्म भी बनी है। तो डेफिनेटली अब जैसा बताया इन्होंने कि जैसा थिएटर भी शुरू हो रहा है अभी जल्दी, तो सब लोग देखे और उनको सपोर्ट करें प्लीज। अच्छा विलेन आपका बारा है फिल्म में? नहीं नहीं, सतीश जी का तो अगर वो विलन बन जाएंगे तो हम लोग एडिटिंग डबिंग किधर करेंगे, वैसे ही भाग जाएंगे। एक्टिंग से बहुत दूर रखे बचपन से। राजू जी आपसे ये जानना चाहेंगे, भूचाल का पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो किस पृष्ठभूमि पे आधारित है ये और क्या कुछ? बिहार की पृष्ठभूमि की है। गोपालगंज में एक केस हुआ था, वो थोड़ा सा हम फिल्मी लोग हैं तो एक पंच पकड़ लेते तो उससे फिल्म बनाई। ये एक बांध जो होते हैं गंगा किनारे के जो बांध होते हैं उसके जो टंडर है जो निकलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर बेस है, और उसमें क्या है नॉर्मल आदमी तो कोई टंडर ले नहीं सकता है, तो उसको कहानी को एक बना करके उसको राजप्रामी जी को दबंग दिखाया, क्योंकि बिहार में मुझे नहीं लगता है, मुझे सॉरी मैं माफी भी चाहता हूँ कि नॉर्मल आदमी कोई टंडर लेता होगा वहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है। दबंगी ले सकता है राजनेता जो चीज है, मगर वहाँ पे गोपालगंज में शूटिंग करके मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ के जो संस्कृति है और जो वहाँ की लोकेशंस हम लोगों ने यूज़ की है, तो वो पिक्चर देखिए फिर पता चलेगा। तो गोपालगंज में या बिहार की बात करें तो वहाँ तो बहुत दादागिरी चलती है, तो वहाँ की आपने कहानी, हाँ तो वही दादागिरी जो वहाँ की कहानी आपने उठाई है, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं आपकी कहानी बिगड़ जाए उन लोग अगर सीरियस हो गए तो? नहीं नहीं, तो जिसने बनाई है वो भी तो ऐसे ही बिगड़ने का सवाल ही नहीं है। बिगड़ेगी क्यों, हम तो क्या होता है कि कोई भी चीज के लिए अगर इस समाज में कितना भी दबंग हो सर दुनिया में, तो एक दिन वही होता है, अगर समाज में कहना है आपको तो आपको खुद को दबंग होना पड़ेगा सर, जीना मरना एक बार होता है। हम तो समाज को ये बता रहे हैं कि ये गंदगी है, सिनेमा है, किसी के लिए पर्सनल लेवल पे नहीं बोला है कि वो गोपालगंज में क्रिमिनल लोग हैं या सीवान में क्रिमिनल। मैंने गैंग ऑफ सीवान भी बनाई पिक्चर, और सर पे ही बनाई थी साबुद्दीन सर पे, उनका बैकग्राउंड लेकर है कि बिहार से ये गंदगी साफ होनी चाहिए पिक्चर के माध्यम। बहुत चेंज हो गया सर, वो कहानी नहीं है अभी, वो बिहार नहीं है अभी, जो लोग कहते थे बिहार कि ऐसा है वैसा है, नहीं वो लोग भी समझते हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए। लालू राज खत्म, नहीं नहीं लालू राज का मैं नहीं बोल सकता, लालू राज जी खत्म होंगे या नहीं होंगे मैं राजनीतिक बात नहीं कर सकता। राजू जी खबर आ रही है कि आप आस्की 3 कर रहे हैं? आज की 3 कर रहा हूँ, मगर मैं बोलना नहीं चाहता, आपने वो क्यों बोल दिया? हमको खबर आई इसलिए। ठीक है, आपसे जानकारी मिली है, आपकी हेयर स्टाइल काफी मिलती जुलती लग रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि? नहीं नहीं, मेरी तो, मैं तो जब से फिल्म लाइन में आया हूँ मेरी यही हेयर स्टाइल रही है, अभी 50 का हो गया हूँ फिर भी ऐसी ही है, 20 का लग रहा है, 50 का हो गया, 51 रनिंग, तो मेरा हेयर स्टाइल यही है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देश में क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों? इंडिपेंडेंस डे सबको 15 अगस्त मुबारक हो, आज 75 इयर्स पूरे हो गए अपने इंडिया के, इसके लिए आज हमारे बेटे का, मुझे लगा 75 साल आपका पूरा हो गया, हुआ नहीं, हो जाएगा अभी 65 हुआ, 10 साल पीछे हो गए। ओके, इस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे पप्पू जी? कैसे रहे गाने और कैसे पिक्चराइज किया है और क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट है इस गाने में, इस फिल्म में? ये पिक्चर में पूरा ही नया कॉन्सेप्ट है, ये सब भोजपुरी है, मैंने काफी भोजपुरी अभी करता भी नहीं, कम कर दिया हूँ, तो खास करके इसके लिए किया भोजपुरी, क्या बात है, इनके ही गाने किए, और गाने इसमें हमने 8 गाने किए, 8 गाने वेराइटीज है, आपको सब अलग अलग मिलेंगे,
एक अपने पूरे हमने रेत में किया था, व्हाइट रेत के अंदर वो एक नया बनाया उसमें, एक बंगलों में किया, बाहर किया, काफी अच्छे गाने और लोकेशन हमको इतने अच्छे मिले, जहाँ ये ले गए थे कमाल लोकेशन मिले। ओके, सतेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे पप्पू जी के बारे में, कैसा रहा एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं, ये मेरे आदर्श है, मेरे फादर है और मेरे हर चीज मेरा मतलब पारिवारिक रिलेशन है, और इनके बारे में क्या कहूँ, ये तो पत्थर को भी नचा दे, मैं तो एक कलाकार हूँ और बहुत अच्छा लगा, मेरी हर फिल्म इन्होंने की है और मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्वस्थ रहें और एकदम मस्त रहें। और इन्होंने क्या काम, मतलब हम कोई रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं, हमारे गाने आ रहे हैं 12 बजे रात को और ये सुन लिए, चल सुबह शूट करना, तो काहे का टेंशन लेता है बेटा, और ये बताए ऐसा ऐसा मोमेंट है करें। और सबसे और एक अच्छी बात है कि जो मैं काम किया निधि जी के साथ में, सैल्यूट है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिला है, क्योंकि कमाल की एक्ट्रेस है, काम करके इतना मजा आया, सर ने तो क्या डांस करवाया है और अच्छा अच्छा लोकेशन तो था ही, तो ये मेरे लिए मेरे आदर्श है। ओके, हीरा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर, जैसे टाइटल ही है भूचाल, तो किस तरीके का भूचाल देखने मिला, फाइट एक्शन किस तरीके का, कुछ नया है इसमें, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे हीरा जी? नमस्कार और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, और ये मेरा सत्येंद्र सिंह के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, हम लोग बहुत पुराने दोस्त थे, बहुत पहले एक दो पिक्चर कर चुके थे जब नए नए थे, तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हीरा जी पुरानी दोस्ती है कि दुश्मनी आपकी? नहीं नहीं दोस्ती है, क्योंकि हम अभी अपोजिट हीरो है, हम तो विलन है, इसमें मैं एक्शन नहीं कर रहा था, एक्शन मास्टर दूसरा कोई था, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था इसमें, तो इनका फोन आया तो मैंने बोला करूंगा भाई आपकी पिक्चर जरूर करूंगा, बोले करना है आपको, मैंने जरूर करूंगा, और इतना अच्छा लगा मुझे काम करके, बहुत दिन के बाद हम गोपालगंज में गए और गोपालगंज की जो पब्लिक है, क्राउड है, इतना सपोर्ट किया और इतना अच्छा लगा वहाँ पर काम करके, और कहानी तो एकदम अलग ही है, सही में भूचाल मचा देगी भाई। आप सबका भाई दोस्त दिल्लू सिंह दीवाना, और आज 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बोलिए सर, और बताइए कैसे गाने आपने लिखे इसमें? भूचाल में मैंने एक भी गाने नहीं लिखे हैं, पूरा भूचाल का पोस्ट प्रोडक्शन मैंने देखा था और काफी अच्छा लगा भूचाल पिक्चर में इतने लोगों के साथ में काम करके। बोलता रहा, कोई टेंशन नहीं, पब्लिक कहीं कंफ्यूज नहीं होगी आपको और सत्येंद्र जी को देख के, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट है, है ना? ऊपर वाले ने बनाया है ऐसा हमको कि सत्येंद्र का छोटा भाई है, ये हमारे कहने का मतलब ये कि कंफ्यूज हो गई, काफी ज्यादा मेंटेन करके उन्होंने रखा है, और सच तो ये है कि हम लोग कहीं भी दोनों लोग जाते हैं तो कोई नहीं समझ पाता कि हम बाप बेटे हैं, बहुत लोग बोलते भी हैं ये कौन है आपके, मैं बोलता हूँ पापा है, तो लोग एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ पे जितने भी मीडिया कर्मी है उनको ऐसा लगता है कि सेकंड खेसारी आ गया, उनका लुक उसका लुक। थैंक यू। एक दो गाना अंतरा सुनाइए, कुछ गुनगुनाइए। अभी मेरा एक गाना बहुत ही अच्छा आया था, पगली मुहबे का एल्बम का नाम था, दोसरा के नमावा के अब से नूरा सजैबे का, अपन पगला के अरे पगली मुहबे का, अपन पगला के अरे पगली मुहबे का। इसका भी खुलासा कर दीजिए कि पगली है कौन? पगली कोई नहीं है, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग, मैं तो ज्यादातर सैड सॉन्ग ही गाता हूँ और बहुत सारे लोग सुनते हैं मेरे सैड सॉन्ग, इसलिए मैं पगला पगली थोड़ा गा लेता हूँ। चलिए, जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं कहना चाहूंगा आप लोग जरूर एक बार भूचाल पिक्चर देखिए, हम सभी ने खूब मेहनत किया है। थैंक यू। थैंक यू। आज नजर आ रही है, क्या कुछ खास तैयारी है, क्या कुछ खास बात है? सुबह से क्या किया? हेयर स्टाइल भी आज डिफरेंट लग रहा है, सब कुछ आज अलग है, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो हम क्या, हाँ, हमारा पूरा भारत आज अलग है, रंगों से भरा है और बहुत अच्छा लग रहा। आज के दिन एक प्राउड फील होता, बहुत अच्छा लगता है, सुबह जब हम उठते हैं तो एक मतलब कि ऐसा लगता है कि आज के दिन बहुत कुछ करना, आज के दिन बहुत हम आज़ाद हैं, ऐसा फील होता है। सो
देख सकते हैं आप हम कितने आजाद हैं। और कुछ शेयर करना चाहेंगे बचपन की बातें जब हम स्कूल में जाते थे। अरे मत पूछिए, वो दिन अलग होते थे, कितना मिस करते हैं आज के टाइम हम उस दिन को, कि हम सुबह सुबह 2-3 दिन पहले से हम ड्रेस रेडी करते थे और बाकी सारी चीज़ें कि इयरिंग्स क्या पहनना है, कैसे चुन्नी लगानी है, बाल कैसे बनाने हैं, स्कूल कैसे जाने हैं, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों से डिस्कस करते थे। तो वो बचपन के बातें अलग थे, जब याद करते थे इमोशनल हो जाते। सो कोई ना, अभी भी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं, अभी भी हम 20 के हैं, तो अभी भी हम इंजॉय कर रहे हैं। और कल से सोच रहे थे हम क्या पहनेंगे, कैसे बाल बनाएंगे। सो आज भी हम उसी लुक में जैसे हम बचपन में हुआ करते थे। अच्छा, तो ये जो ड्रेस आपने आज पहना हुआ है 15 अगस्त के दिन पे, कुछ खास, कुछ खास है? थोड़ा सा बाहर आके दिखाएंगे कि कोई डिजाइनर का डिजाइनर वेयरिंग आपने थोड़ा हो रही है। कुछ ड्रेस के बारे में बताना चाहेंगे जो है भाई भाई बीच में, क्यों आपने आज ऐसा वेयरिंग किया 15 अगस्त के दिन? क्योंकि मुझे कुछ यूनिक यूनिक चीज़ें बहुत पसंद है। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो यूनिक चीज़ें ढूंढती रहती हूँ कि क्या यूनिक चीज़ें हैं, जो मिलती एक बार में पसंद आ जाती है उसको मैं, मुझे लेना ही होता है। सर खुद से वो होता है कि नहीं मुझे लेना ही लेना है। आइए यहाँ शिफ्ट होते हैं, बात करते हैं। तो ये जी आपकी वजह से बियर का भाव बढ़ गया है, क्या आप कहना चाहेंगे? किस चीज का? बियर का। क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया तो ऑब्वियसली बढ़ना ही था बियर का भाव। राज बता दीजिए उसका। राज ये है कि खेसारी लाल यादव जी हैं और जोया खान जी हैं, तो क्यों नहीं होगा, बियर का भाव क्यों नहीं बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हमारे दर्शकों का इतना ज्यादा इतने कम टाइम में प्यार मिला, तो इसका राज ही कुछ और है। खेसारी जी के साथ एल्बम सॉन्ग में आप ज्यादा दिखती हैं, फिल्मों में ज्यादा दिखती हैं, क्या राज है इसके पीछे का? राज ये है कि ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे दर्शकों का प्यार है, हमारे दर्शक हमें लाइक करते हैं, चाहते हैं कि मैं खेसारी लाल यादव जी के साथ दिखूं। सो यही राज है। अभी कौन कौन सी फिल्में आ रही है खेसारी जी के साथ? खेसारी जी के साथ हमारे दर्शक चाहेंगे तो ही आएगा, वैसे लॉकडाउन चल रहा है, जब थिएटर खुलेगा तो एक फिल्में हैं वो आएंगी बाप जी, और इसके बाद से भी तैयारी चल रही है। देखिए जाते तो कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ कहना चाहेंगे, यही कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी लोगों को हमारे तरफ से और हमारे पूरे ग्रुप के तरफ से, जितने भी ऑडियंस हम लोगों को देख रहे हैं सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने भारत में झंडा का नाम रोशन कीजिए और लहराते रहिए। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।